हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सॉफ्ट पेस्टल से एक सुंदर सा सनसेट व्यू का लैंडस्केप। तो हम स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको लेना है रेड कलर, और रेड कलर को प्रॉपर तरीके से आप फिल करते हुए थोड़ा नीचे तक कर दें सीट के। उसके बाद आप ऑरेंज कलर लें, ऑरेंज कलर को सीट के आधे हिस्से तक लगभग कर दें। और उसके बाद येलो कलर लें, और येलो कलर को आप थोड़ा नीचे तक कर दें। उसके बाद रिवर्स कलर दोबारा से करें, यानी कि पहले ऑरेंज फिर रेड। ओके, अब आप इसको उंगलियों के माध्यम से या फिर टिश्यू पेपर के माध्यम से इसको अच्छे से मर्ज कर दें। ध्यान रहे कि आपके हाथ गीले ना हो, अच्छे से उंगलियों के माध्यम से या टिश्यू पेपर के माध्यम से आप इसको अच्छे से मर्ज कर दें। पेपर भी यूज कर सकते हैं आप मर्ज करने के लिए। जब ये मर्ज हो जाए अच्छे से, यानी येलो रेड और ऑरेंज अच्छे से आपको एक दूसरे के अंदर इसको मर्ज करना है। ओके, अब ये मर्ज होने के बाद आप येलो कलर एक बार दोबारा से हल्का हल्का ऊपर और चला दें, अच्छे से मर्ज हो गया। ओके, अब आपको वाइट कलर से मून बनाना है। मून आधा ही बनाएं, पूरा ना ले। अब उंगलियों के माध्यम से इसको धीरे धीरे मर्ज करते हैं नीचे की तरफ, ताकि देखने में ऐसा लगे जैसे क्लाउड्स के अंदर है। नीचे आपको ग्राउंड बनाना है ब्लैक कलर से। ब्लैक कलर अच्छे से पोस्टर कलर ले सकते हैं आप, पोस्टर से भी कर सकते हैं आप। अगर आप पोस्टर कलर नहीं है तो आप वाटर कलर से भी कर सकते हैं। ये मैं नीचे इसका ग्राउंड बना रहा हूँ ब्लैक कलर को, अच्छे से फिल कर दें। ओके, अब आपको जब ब्लैक कलर फिल कर दो तो फिर आपको इसमें कोकोनट ट्री को बनाना है। तो कोकोनट ट्री बनाने के लिए आप पहले उसको पेंसिल से ड्रॉ भी कर सकते हैं, मैं सीधा बना रहा हूँ। मैं दो कोकोनट ट्री बनाऊंगा, तो एक स्टेम बना दी और दूसरी मैं इसके पास में बना देता हूँ। ध्यान रहे कि पेंसिल से बना रहे हैं तो पेंसिल को थोड़ा हल्का चलाएं। अब आप इस तरीके से कोकोनट ट्री के लिए लीफ बना सकते हैं, मतलब लाइन बना दें आप बारीक बारीक, और आप थोड़ा इसको फैला के पत्तियों का शेप दे दें। ओके, ये मैंने कोकोनट ट्री के अंदर ब्लैक कलर फिल कर दिया अच्छे से, और पीछे वाली पत्तियाँ छोटी बनेंगी क्योंकि पर्सपेक्टिव जो है, पर्सपेक्टिव का व्यू अपने को दिखाना है तो छोटी पत्तियाँ बनानी पड़ेगी पीछे की। तो बीच बीच में पत्तियाँ और बना दे, आपको रिक्वायरमेंट लगे तो बनाए। मेरे को ऐसा लगा तो मैं बना रहा हूँ। ओके, ये वाला मैंने बना दिया, दूसरा भी आपको सेम ही बनाना है, ऐसे ही चारों तरफ। पीछे वाली लाइनें छोटी ध्यान रखना, आगे की बड़ी। ये मैंने लीफ का शेप देना स्टार्ट कर दिया इसमें भी, इसके अंदर भी आप बीच में छोटी छोटी
लाइन बना सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ बनाई है, यहाँ भी बना देता हूँ, यहाँ इस जगह बीच में मेरे को थोड़ा यहाँ पे बनाता हूँ। तो ये कोकोनट ट्री मेरा तैयार हो गया। नीचे ग्राउंड में ग्रास कलर, ग्रास जो है ब्लैक कलर से बनेंगे, छोटी छोटी बनाए, ज़्यादा बड़ी ना हो। अब इसमें जैसे बर्ड, छोटी छोटी बर्ड बनानी है। ध्यान रखें कि पीछे वाली बर्ड जो है वो थोड़ी छोटी होंगी, आगे वाली थोड़ी बड़ी होंगी। ये मैंने बर्ड बना दी है। अब नीचे हम चाहेंगे इसमें थोड़ा एक हट बनाए, तो हट के लिए मैं सीधा कलर यूज कर रहा हूँ। अब चाहो तो पेंसिल से भी पहले इसको ड्रॉ कर सकते हो। रूफ लाइन बना करके इसके अंदर भी मैं ब्लैक कलर फिल कर रहा हूँ हट में, और ऊपर रूफ के अंदर भी मैं हल्के हल्के ब्लैक कलर की शेड दिखाऊंगा। डोर बना देता हूँ, डोर बन गया, और ये हमारी हट तैयार होगी। ध्यान रहे हट छोटी बनाए, ज़्यादा बड़ी ना हो। अब आप माउंट की हुई टेप को आराम से हटाएं। धीरे धीरे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।